Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त. गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूँ सुजुकी के शोरूम में, जो कि राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है. तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी. आई एम बैक विथ अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सुजुकी बर्गमैन के बेस वेरियंट का, जिसको कि हम बर्गमैन स्ट्रीट के नाम से जानते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है इसमें. सो गाइज, ये है सुजुकी बर्गमैन का बेस वेरियंट, जिसको कि हम बर्गमैन स्ट्रीट के नाम से जानते हैं. ये आपका तीन वेरिएंट ऑप्शन के साथ आती है. एक तो हो गया बेस वेरिएंट जो मेरे सामने खड़ी है, इसके अलावा मिड वेरिएंट जिसको कि हम राइट कनेक्ट एडिशन के नाम से जानते हैं, एंड टॉप वेरिएंट जिसको कि हम स्ट्रीट ईएक्स के नाम से जानते हैं. तो अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो ये चार कलर ऑप्शंस के साथ आती है, जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूँ. ये आपका मूनलाइट ग्रे कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है. तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको फ्रंट फेशिया देखने को मिल जाएगा. काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को. तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में आपको विंडशील्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. इसके नीचे यहाँ पर आपको एलईडी में ही हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ एलईडी में ही आपको डीआरएल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं. इसके ऊपर यहाँ पर सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो एस सिंबल देखने को मिल जाएगा, और इसके लेफ्ट एंड राइट साइड आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड कराई गई है. कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको मडगार्ड की लुक ऑफर की जा रही है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. तो ये है इसका फ्रंट फेशिया. अब देख लेते हैं इसके राइट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल. ये है स्कूटी की साइड प्रोफाइल, जो कि मस्त लग रही है. अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो वो है 110 kg, और अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 160 mm की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी. बात कर लेते हैं इसके टायर्स की. तो यहाँ पर आपको फ्रंट व्हील में 12 इंच का टायर प्रोवाइड कराया गया है. अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूं तो वो है 90-90-12, और वही अगर मैं रियर की बात करूं तो वहां पर आपको 10 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा. तो इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 90-100-10. फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, और वही रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड कराया गया है, और वहीं रियर में आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और साथ में सेंटर स्टैंड भी प्रोवाइड करा दिया गया है. यहाँ पर आपको सुजुकी इको परफॉर्मेंस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ यहाँ पर आपको बर्गमैन स्ट्रीट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. ये आपको क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है. यहाँ पर आपको साइलेंसर मफलर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ यहाँ पर आपको कवरिंग भी दे दी गई है, जो कि एक अच्छा फीचर है. कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको सीट ऑफर की जा रही है लेदर फिनिशिंग के साथ. यहाँ पर आपको रेड कलर की स्टिचिंग भी देखने को मिल जाएगी. सिंगल स्टिचिंग प्रोवाइड कराई गई है. अगर मैं इसके अंडर सीट स्टोरेज की बात करूँ तो वो है 21.6 liter. तो हेलमेट वगैरह आप यहाँ पर ही प्लेस कर सकते हो. उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जिसकी कैपेसिटी है 5.5 liters, और ये आपका E20 फीचर के साथ अवेलेबल है. तो यहाँ पर आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको राइड कर पाओगे. अगर मैं इसकी ग्रैब रेल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिंगल सेटअप ही देखने को मिल जाएगा. ब्लैक पियानो फिनिश में ये प्रोवाइड कराया गया है. सो ये थी स्कूटी की साइड लुक. अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को. तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको रियर लुक देखने को मिल जाएगी. अच्छी लग रही है. देखते हैं इसके एलिमेंट्स को. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एलईडी में टेल लैम्प प्रोवाइड कराई गई है, कुछ इस तरह के पैटर्न में देखने को मिल जाएगी, और उसके नीचे यहाँ पर आपको सुजुकी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सेंटर में रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और ये है इसकी मडगार्ड की लुक. सो अलॉन्ग विथ रियर, ये है लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल. अब देखते हैं इसके एलिमेंट्स को. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. तो यहाँ पर आपको 125 cc का इंजन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि 8.7 PS की पावर एंड 10 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. उसके साथ यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. तो अगर आपकी बैटरी लो है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू भी अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर सकते हो. ये मैंने पहले ही दिखा दिया था. यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ यहाँ पर आपको साइड कट ऑफ स्टैंड की भी प्लेसमेंट दी गई है, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव. यहाँ पर आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा. जो लेडीज़ फुटरेस्ट है वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन अगर आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी आप कंपनी से परचेज कर सकते हो. इसके ऊपर यहाँ पर आपको बर्गमैन स्ट्रीट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. अगर मैं इसके ओवरऑल बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंटायरली ABS फाइबर ही देखने को मिल जाएगा. सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ एक हुक की प्लेसमेंट आपको यहाँ करा दी गई है. तो अगर आप कुछ सामान कैरी कर रहे हो तो आप यहाँ पर उसको हैंग कर सकते हो.
उसके साथ यहाँ पर आपको एक ग्लोब बॉक्स देखने को मिल जाएगा जिसकी कैपेसिटी है 2.5 लीटर। यहाँ पर आपको कोई USB पोर्ट नहीं प्रोवाइड कराया गया, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको बाहर से फिट करा सकते हो। यहाँ पर भी आपको 2.25 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप स्कूटी को ऑपरेट कर सकते हो, इग्निशन ऑन ऑफ एंड लॉक यहीं से आपका हो जाएगा। यहाँ पर अभी की हैंग है तो आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको मैनुअल की ही देखने को मिल जाएगी और सेंटर में यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो एस सिंबल देखने को मिल जाएगा। इसके साथ नीचे यहाँ पर भी आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप लॉन्ग राइड के लिए स्कूटी को यूज़ करते हो तो एक कंफर्ट फैक्टर यहाँ पर ड्राइव होएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसके सेंटर कंसोल को। तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही देखने को मिल जाएगा, सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी रिवील हो जाएगी। क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी का फीचर अवेलेबल नहीं कराया गया, लेकिन वो फीचर आपको मिड वेरिएंट एंड टॉप नॉच वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो एंड बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में इंटीरियर प्रोवाइड कराया गया है और वहीं मिड एंड टॉप वेरिएंट में आपको ब्राउन कलर में इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। 2 मिरर की प्लेसमेंट यहाँ पर कराई गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाउट लग रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका हाई बीम एंड लो बीम के लिए पासिंग का बटन है, ये हो गया आपका टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन, और ये होगी इसकी हॉर्न एक अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ। यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, एक अच्छे ग्रिप के साथ यहाँ पर ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है, एक ग्रैब हैंडल एंड ब्रेक की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको एक टॉगल स्विच दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्विल स्विच देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको मैं स्कूटी स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको एग्जॉस्ट नोट यहाँ पर सुनने को मिल जाएगा। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं। सो गाइज, ये है सुजुकी बर्गमैन का बेस वेरिएंट एक अच्छे लुक के साथ। कम प्राइस रेंज में आपको इसमें एसेंशियल फीचर्स सारे मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 93,499 रुपये, और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो ये आपको कॉस्ट करेगी 1,14,000 रुपये दिल्ली में। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।